हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी आंगनवाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आंगनवाड़ी की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आई नई भर्ती के बारे में, जो कि आंगनवाड़ी की नई भर्ती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं, आंगनवाड़ी में अलग अलग पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इन भर्तियों के लिए 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप योग्यता के अनुसार पद के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 जून 2024 तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आवेदन कैसे करना है आंगनवाड़ी की भर्ती के लिए, ताकि आपको आंगनवाड़ी में नौकरी मिल सके। तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको यह फॉर्म भरना है और आंगनवाड़ी की भर्ती के लिए किस प्रकार की यहां पर चयन प्रक्रिया होने वाली है, सारी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, पल पल की अपडेट दी जाती है, किसी भी सरकारी नौकरी आंगनवाड़ी भर्ती की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी, आप चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2024 का। आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, बिना एग्जाम के ये सीधी भर्ती निकाली गई है। और एज लिमिट जो है 18 से 48 साल रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 48 तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। वहीं यहाँ पर जो पद हैं हेल्पर के हैं 8वीं पास के लिए 22,000 लगभग वेतन आपको मिल जाएगा, टीचर के पद हैं 12वीं पास के लिए, सुपरवाइजर के पद हैं स्नातक पास के लिए और सेविका के पद हैं 10वीं पास के लिए। अलग अलग पोस्ट पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। तो दोस्तों, कैसे आवेदन करना है, सारी जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarilbus.xyz। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आंगनवाड़ी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी में नई भर्ती आ चुकी है, जो कि इस साल 2024 की नई भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCD की तरफ से ये भर्तियां निकल कर आई है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती है, आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है, आंगनवाड़ी हेल्पर की है और टीचर की है। 12,500 पोस्ट पर ये भर्ती है, जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। और आवेदन की लास्ट डेट क्या है, 15 जून 2024। 15 जून तक आपको आवेदन करना होगा और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। तो अगर आपकी एज है 18 से 45 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं आंगनवाड़ी की इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं है, केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके दस्तावेजों की यहाँ पर जाँच की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आंगनवाड़ी की इन भर्तियों के लिए आपको वेतन यानी कि सैलरी कितनी मिल रही है। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए 45,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 35,000 रुपए सैलरी है, हेल्पर के लिए 28,000 रुपए सैलरी है, टीचर के लिए 37,000 रुपए महीना सैलरी है। ये सैलरी अप्रोक्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि यहाँ पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी की इस साल 2024 की भर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले आप जिस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं ये फॉर्म आपको चाहिए, इसको भर लेना है आपको। उसके साथ ही साथ आपके फोटोग्राफ भी आपको लगाने होंगे और यहाँ पर आपकी आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। वैसे तो आपका वोटर आईडी यहां पर कंपलसरी है और आधार कार्ड भी, ठीक है। वहीं एड्रेस प्रूफ में आपका एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना होगा, या तो आधार कार्ड चल जाएगा या वोटर आईडी भी चल जाएगा, आपका बिजली का बिल भी चल जाएगा या फिर राशन कार्ड भी चल जाएगा, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 8वीं 10वीं 12वीं की जो भी मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट है यानी कि जाति का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा, इनकम का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा और डोमिसाइल
टेक्निकल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। कोई अनुभव है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, डिसेबिलिटी का भी करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और आप शादीशुदा हैं या कंवारे हैं आपको ये भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। एनओसी भी बाद में आपको देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपके डॉक्यूमेंट सारे लगाने होंगे इस फॉर्म के साथ में। और यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसे आपको आंगनवाड़ी की भर्ती के लिए आवेदन करना है 15 जून तक, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जिस ग्राम पंचायत, जिस भी वार्ड में आप रहते हैं, उसके आंगनवाड़ी केंद्र में आपको जाकर के ये फॉर्म भरना होगा, सबमिट करना होगा। चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली आपके नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, सीधा हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आंगनवाड़ी की इस भर्ती के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने किस जिले से, किस राज्य से आवेदन किया है कमेंट कीजिएगा, आपकी योग्यता क्या है वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमने आपको पहले बताया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आंगनवाड़ी की नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।